इमाम मेहदी के नाजिल होने की दलील। मैं जिस कौम में रहता हूँ वो लोग ये नज़रिया रखते हैं कि इमाम मेहदी आ चुके हैं और दुनिया से चले गए हैं। वो सैयद मोहम्मद जौनपुरी नामी एक शख्स को इमाम मेहदी मानते हैं। तो अगर मेरी कौम वाले मुझसे पूछें कि आपके पास क्या सबूत है इमाम मेहदी नहीं आए और आने वाले हैं, तो मैं इनसे क्या कहूँ? नाजिल इंडिया से सही हदीस है, बिल्कुल मुस्तनद, और उम्मत का इजमाई अकीदा है कि इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आएंगे, हज़रत ईसा से पहले। सही अहादीस से ये बात साबित होती है कि हज़रत मेहदी जब आएंगे तो मुसल्ले पे खड़े होंगे, दमिश्क की मस्जिद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और इमाम मेहदी उनको नमाज के लिए मुसल्ले पे आगे करेंगे, जबकि हज़रत ईसा ये पेशकश कबूल नहीं करेंगे। वो कहेंगे आप ही इमामत करें, उनकी इक्तदा में हज़रत ईसा नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जिहाद होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब कर देंगे। तो इमाम मेहदी तो जिहाद के लिए आएंगे और हज़रत ईसा उनके बाद आएंगे उन्हीं की ज़िंदगी में, तो ये दोनों लाजिम मलजूम हैं। तो जो शख्स भी मेहदी होने का दावा करता है और वो जिहाद नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब नहीं कर रहा, और उसकी ज़िंदगी में हज़रत ईसा भी नाजिल नहीं हो रहे और दमिश्क में नमाज भी नहीं पढ़ रहे उनके पीछे, इसका मतलब इमाम मेहदी नहीं है, ये आपको उल्लू बना रहा है, ये आदमी ड्रामेबाज है। तो सही हदीस से ये बात साबित है जो मैंने बताई आपको।